नेत्रपुरम पुलिस ने बुधवार को नशीली दवाओं का अवैध कारोबार करने वाले दो आरोपी जोगिंदर सिंह जो कि 34 वर्ष निवासी बुद्ध विहार और अंकुश गोयल जो कि 28 वर्ष निवासी खजूरी खास उत्तरी दिल्ली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 7 मोबाइल फोन, 2 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर और विभिन्न प्रकार की अवैध नशीली दवाइयां बरामद की है। पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना के आधार पर वसुंधरा सेक्टर 1 में छापा मारकर दोनों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट, औषधि अधिनियम और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। देखिए, आज दिनांक 25 सितंबर को थाना इंद्रापुरम को जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि वसुंधरा सेक्टर 1 में एक नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाला एक गैंग ऑपरेट कर रहा है। तत्काल मौके पर इंद्रापुरम पुलिस पहुंची, वहां से हम लोगों ने दो लोगों को गिरफ्तार किया और मौके से हमें काफ़ी भारी मात्रा में नशीली दवाइयां मिली, जिसमें अल्प्राजोलम, ट्रेमेंडाजोल ऐसी दवाइयां हैं। लगभग 10 उसके जो सैंपल हैं वो आपके सामने रखे गए हैं और ऐसी टोटल हमें लगभग 20 लाख की दवाइयां वहां से मौके से बरामद हुई। जब तफ्तीश से इनसे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, इन लोगों ने बताया कि ये लोग इस व्यापार में लगभग 2018 से ऑपरेट कर रहे हैं और लगभग एक साल में ये लोग लगभग 1 करोड़ का व्यापार करते हैं। और इनके व्यापार का तरीका है कि इन्होंने ओमसी सर्विसेज नाम से एक फर्म बनाया जिसपे GST से ही अपने कंपनी को रजिस्टर कराए और ये 2 साल से गाजियाबाद में ऑपरेट कर रहे थे, उससे पहले ये दिल्ली से ऑपरेट कर रहे थे। यहाँ पे जब इन्होंने GST की फर्म बनाई, उस फर्म के आधार पर इन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट की, उस वेबसाइट का नाम है onlinehealthcard.in। इससे ये ऑनलाइन भारत में और भारत के बाहर मुख्यतः अफ्रीकन देशों से ये ऑर्डर लेते थे। उस ऑर्डर के आधार पे फिर उस संबंधित व्यक्ति से ये संपर्क करते थे व्हाट्सएप से संपर्क करने के बाद उसका पता मांगते थे और उसके बाद ये दवाइयां वहां पे सप्लाई करते थे। जब इनको पकड़ा गया तो इनसे पूछा गया कि आपके पास इस दवाइयों के क्रय करने का, क्योंकि ये दवाइयां कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, कि आपको क्रय करने का ये कैसे, किस प्रकार से आप क्रय करते हैं। तो इन्होंने क्रय करने का बताया कि इनका एक ट्विंकल नंदन फार्मेसी करके इन्होंने एक कंपनी के माध्यम से उससे ये दवाइयां क्रय करते थे, उसके बाद ये संबंधित जो मैंने बताया उस तरीके से ये विक्रय करते थे। जब विक्रय का इनसे लाइसेंस मांगा गया तो इनके पास कोई भी लाइसेंस इस तरीके का प्राप्त नहीं हुआ, जिसपे औषधि स्वापक प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, उसके साथ NDPS एक्ट और IT एक्ट भी लगाया गया। क्या ये सभी दवाइयां प्रतिबंधित है और इन्हें लेने के लिए, खरीदने के लिए ने किस तरह, अगर कोई किसी उस पे जैसे जाएंगे फार्मेसी पे जाएंगे तो कैसे मिलती है दवाइयां? जी, ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलती है और इनको खरीदने और बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। और मुख्यतः ये एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं और साथ में दर्द निवारक दवाइयां भी ये हैं। सर, जैसे आपने बता रहे हैं ये फार्मेसी से जो लेते, क्या आप पुलिस ने पार्टी बनाया है फार्मेसी भी, क्योंकि बिना लाइसेंस के वो भी इनको ये पूरी सप्लाई दे रहा था लंबे समय से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्रय करने के लिए इन्होंने एक फार्मेसी का गठन किया था जिसके आधार पे जो रजिस्टर्ड थी हमारे वसुंधरा में, उसके आधार पे दवाइयां क्रय कर रहे थे। और उसके साथ साथ जो बाकी आपके बिंदु हैं कि उन जो फार्मेसी वाला था उसको हमने इसमें शामिल किया या नहीं, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आगे उसको हम देखेंगे। देखिए, अभी तक जो हमें इनके पास से टोटल 7 मोबाइल फोन, 2 कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सारी चीजें बरामद हुई हैं और उसमें जो डेटा मिला है उसमें ये एक तो पैन इंडिया में है, उसके साथ साथ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से भी इनके ऑर्डर लेना हमें मिले हैं। GST कंपनी थी रजिस्टर्ड, क्या ये खरीदते थे उस पर एंट्री होती थी, तो एंट्री भी चेक की जा रही है क्या? ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि जीएसटी का ये जिन्होंने जो रजिस्टर्ड फार्मा अपना बनाया था उसके क्या क्या प्रोसेस थे और इन्होंने किस तरीके से उसमें भी फ्रॉड किया है। ये अभी जो दवाइयां जब्त की गई हैं इनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है और इन्होंने एक साल में स्वीकारा है कि लगभग 1 करोड़ रुपए का ये कारोबार कर रहे हैं। क्योंकि ये नशे की दवाइयां थी, क्या कुछ ऐसे लोग भी इनके संपर्क में थे जो कि इनसे लगातार डेली लेते थे, नशे के आदी थे जो लोग? जी बिल्कुल, हम उस चीज को भी खंगाल रहे हैं कि इनके रेगुलर कस्टमर कौन थे और इसके साथ साथ जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम क्रमशः जोगिंदर सिंह जो कि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के रहने वाले हैं गाजियाबाद के, और दूसरे अंकुश गोयल जो कि मूल रूप से पूर्वी दिल्ली खजूरी खास थाने के अंतर्गत निवासी हैं। इसके साथ साथ एक व्यक्ति संदीप गोयल जिसको हमने इसमें आरोपी बनाया है, वह जो अंकुश गोयल है उसका चचेरा भाई है, और उसके साथ साथ इस पूरे जो एक तथाकथित कंपनी ऑपरेट कर रहे थे उसका सबसे मास्टरमाइंड संदीप गोयल ही है जो कि पूर्व में भी कविनगर थाने से जेल जा चुका है। ये जो पकड़े वाले व्यक्ति हैं, क्या इनके लग रहा है पुलिस को कि क्या इनकी और चाल लंबी हो सकती है?
जी बिल्कुल, ये तो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है।